हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज हम पढ़ेंगे क्लास ट्वेल्थ का मैथमेटिक्स और हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का फर्स्ट पार्ट मैंने आपको दिया, आप लोगों ने देखा, अच्छे से देखा, उसको पूरा रिवीजन कर लिया होगा और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपने फार्मूला लर्न कर लिया होगा। यदि आपने फार्मूला अच्छे से लर्न कर लिया तो आपका इंटीग्रेशन अब बहुत तेज़ी से होने वाला है और हर क्लास में मैं एक नया कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा। जैसे आज हम पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। और पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो स्टूडेंट इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन को समझ गया, अच्छे से प्रतिस्थापन को समझ गया, समझ लीजिए कि उसका इंटीग्रेशन में ज़बरदस्त कमांड हो गया। जैसे चैन रूल इंपॉर्टेंट है डिफ्रेंशिएशन में, जैसे चैन रूल इंपॉर्टेंट है वैसे इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है। तो आज हम सिंपल एल्जेब्रिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे और उसके बाद वाले क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। और आपको मैं अभी से याद दिला दूं कि ट्रिग्नोमेट्री सब्स्टिट्यूशन का मैंने आपको चार्ट दिया था, कब, जब मैंने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया था, प्रतिलोम त्रिकोणमिति। तो मैं आपको अभी से ये बात बता दूं कि आप उसको वहां से, जो स्टूडेंट मेरे प्रतिलोम त्रिकोणमिति इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो नहीं देखे हैं उन लोग वहां से वो चार्ट ले लें और अगला वीडियो आने से पहले आप उसको तैयार कर लें। ये मैं आपको पहले से नोटिस कर दिया। ओके, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक और आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, अब इसको हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं है, इतना हिंदी वाले समझ सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन मतलब होता है प्रतिस्थापन, किसी की जगह में रखना, प्रतिस्थापन। तो देखो बहुत से फंक्शन ऐसे हैं इंटीग्रेशन में जिनका डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता या हम उसको डायरेक्ट फार्मूला के बेस में इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो हम सब्स्टिट्यूट करने के बाद वहाँ पर हम उसके वैल्यू को पुटअप करते हैं। मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, सपोज अपने पास कोई क्वेश्चन है, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 3 टू दी पावर 3 dx, ये सपोज हमको इंटीग्रेशन करना है। अब यदि हम इसको इंटीग्रेशन करें तो एक मेथड क्या हो सकता है कि 2x माइनस 3 के होल क्यूब को आप एक्सपांड करोगे, a माइनस बी के होल क्यूब से उसको प्रसार करोगे, फिर हर टर्म्स का अलग अलग इंटीग्रेशन करोगे, आप सोचो कितना कठिन हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं। और सब्स्टिट्यूशन का मेथड क्या है कि जिसका आपका इंटीग्रेशन नहीं हो पा रहा, ईजी एग्जाम्पल लिया मैंने, उसको आप टी सपोज कर लो। तो यहाँ से आप सपोज कर लो कि 2x माइनस 3 इक्वल टू सपोज टी है, इसको हमने टी मान लिया। अब इसको टी मानने के बाद जिसको हम टी या यू वी डब्ल्यू कुछ भी सपोज करते हैं उसका फिर हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, नाउ डिफरेंशिएट, उसका अवकलन करते हैं, ध्यान रखना। तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे हम तो डी बाई डी एक्स ऑफ 2x माइनस 3 इक्वल टू, इधर भी हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ टी, मतलब डी टी बाई डी एक्स। देयरफॉर यहाँ डिफरेंशिएट करो तो 2x कॉमन हो जाएगा, 3 का 0, तो यहाँ पर बचेगा ओनली 2 और यहाँ पर हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। इसके बाद ध्यान रखना आप यहाँ पर, फिर यहाँ से आप क्वेश्चन को देखना और क्वेश्चन में क्या है, डी एक्स है, इसको तो हमने टी सपोज कर लिया है, ये डी एक्स है, तो यहाँ से डी एक्स का वैल्यू फाइंड करो। तो डी एक्स को हम इधर ट्रांसफ़र कर लेते हैं, डी एक्स को यहाँ पर ट्रांसफ़र कर लें तो डी एक्स इक्वल टू मिल जाएगा अपने को डी टी अपॉन 2, ये 2 को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे, डी एक्स को इधर, तो डी एक्स का वैल्यू मिल गया डी टी अपॉन 2। इस तरह से अब हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन में इसके जगह में टी सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसके जगह में डी टी अपॉन 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देयरफॉर हमारा क्वेश्चन अब क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 3 को हम लिखेंगे टी, तो ये हो जाएगा टी का पावर 3 इंटू, ये जो डी एक्स है उसके जगह हम लिखेंगे डी टी बाई 2, ये हो जाएगा डी टी अपॉन 2। अब इसका हम समाकलन करें, इंटीग्रेशन करें, तो 1 अपॉन 2 को हमने बाहर कर दिया और टी का पावर 3 का हो जाएगा टी टू दी पावर 4 अपॉन 4, दैट इक्वल 1 अपॉन 8। और अगेन हम क्या करेंगे,
जिसको हमने सब्सटीट्यूट किया था उसको उस वैल्यू को दोबारा रख देंगे। तो टी का वैल्यू क्या है अपने पास 2x-3, तो यहाँ पर हम वैल्यू को पुट अप कर देंगे 2x-3 का पावर 4, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। और प्लस सी के बारे में मैंने आपको बता दिया था, लिखोगे तो भी सही, नहीं लिखोगे तो भी सही है, लेकिन आपको लिखना चाहिए। तो इस तरह से सब्सटीट्यूशन होता है, क्लियर। अब हम इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। एक्चुअल में सब्सटीट्यूशन में आपका कमांड क्वेश्चन के प्रैक्टिस करने से ही आएगा, ठीक है। फिर भी मैं कुछ स्पेशल फॉर्म आपको बता रहा हूँ कि कुछ स्पेशल फॉर्म में हम कैसे हम इंटीग्रेशन करते हैं। जैसे देखो, फॉर एग्जाम्पल इसके कुछ फेमस फॉर्म्स हैं जो आपको डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, लेकिन अभी आपको डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है, आपको पूरा उसको इंटीग्रेशन करके ही लिखना है। जैसे एक इसका फॉर्म है f' x upon function of x dx। यदि कोई क्वेश्चन आपका इस फॉर्म में हो, यदि कोई भी क्वेश्चन इस फॉर्म में हो, f' x मतलब इसके डिनोमिनेटर का एक बार डिफ्रेंशिएशन, तो कोई भी फंक्शन यदि इस फॉर्म में हो तो आप उसको डायरेक्ट लिख सकते हो, इसका आंसर होता है log ऑफ फंक्शन ऑफ x प्लस सी, ये इसका डायरेक्ट आंसर होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल बता दें, एक छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ कि सपोज i इक्वल टू कहीं पर लिखा हुआ है, सिंपल से एग्जाम्पल बता दिया मैं, मान लो लिखा है cos x अपॉन साइन x dx, ऐसा लिखा हुआ है। अब यहाँ से आप देखो कि ये जो फंक्शन है नीचे में जो साइन x है, ये साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या है, cos x है, मतलब इसके जो हर में होता है उसका डिफ्रेंशिएशन अंश में होना चाहिए, डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन न्यूमरेटर में होना चाहिए। तो यहाँ पर है देखो साइन एक्स डिफ्रेंशिएशन ना, नॉट इंटीग्रेशन, डिफरेंस साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, तो इसका डायरेक्ट हम आंसर लिख सकते हैं दैट इक्वल टू, ये हो जाएगा लॉग ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स, तो फंक्शन ऑफ एक्स क्या है नीचे वाला, तो लॉग साइन एक्स इसका आंसर हो जाएगा, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, ओके। ऐसे भी आपको मालूम है कि cos x अपन sin x फार्मूला के चार्ट में मैंने आपको दिया है, cos x अपन sin x cot x होता है और cot x का इंटीग्रेशन होता है log sin x, तो फार्मूला भी आपको याद भी ना हो तो ऐसा बना सकते हैं। या जैसे कोई एग्जांपल है आपका, यहाँ पर सपोज मैंने एक एग्जांपल ले लिया i इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ सपोज log x अपॉन x dx, इस तरह से एक एग्जांपल लिया। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर खैर उस तरह से नहीं होगा, यहाँ पर 1/x को t सपोज करना पड़ेगा, ठीक है। ये एग्जांपल को खैर छोड़ो, आप ये दूसरे ढंग का है, मैं आगे बताऊंगा इसको। इस एग्जांपल से आप समझ गए होंगे, बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं, मतलब यदि डिनोमिनेटर का ऊपर में आपको डिफ्रेंशिएशन मिले तो आपको सीधा उसको डायरेक्ट log ऑफ ऐसा लिख सकते हो, हालांकि हमको इसको करके दिखाना है। इसके बाद दूसरा पैटर्न मैं यहीं पर आपको बता दूं, पैटर्न पर रट के आपको नहीं करना है ना, करना तो अपने को पूरा मेथड से ही है। i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सपोज फंक्शन ऑफ x टू दी पावर n इंटू f'x dx, ऐसा है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाता है फंक्शन ऑफ x का होल पावर n+1/n+1। कहने का मतलब क्या हुआ, यह फिक्स पैटर्न है ना, लेकिन इस पैटर्न को आपको नहीं, आपको प्रॉपर मेथड से करना है। यदि यहाँ कोई फंक्शन हो, उसका कुछ पावर हो और इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन का उसके साथ में मल्टीप्लीकेशन हो रहा हो, तो उसका आंसर सीधा ये हो जाता है प्लस सी। एक एग्जाम्पल लूँ तो आपको समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज अपने पास कोई क्वेश्चन है i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू दी पावर 4x इंटू cos x dx, ऐसा क्वेश्चन है। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लग रहा है और डिफिकल्ट है भी, उसको आप मेथड से करेंगे, बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो क्या हो रहा है कि ये साइन x है जो कि फंक्शन ऑफ x है, यहाँ पर साइन x है और साइन x का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर क्या है cos x है, माने इसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर है, साइन x का डिफ्रेंशिएशन cos x है, तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा फंक्शन ऑफ x टू दी पावर n+1, और ये हमारे पास फंक्शन ऑफ x है, तो इसका आंसर हो जाएगा साइन
टू द पावर साइन एक्स टू द पावर डायरेक्ट लिख देता हूँ 4 प्लस 1 माने 5 अपॉन 5, मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन टू द पावर 5x अपॉन 5 प्लस सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ये कुछ फिक्स पैटर्न है, इससे डायरेक्ट आंसर हम लॉग के फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं, इस पैटर्न में कोई क्वेश्चन हो तो ऐसा लिख सकते हैं। ये एक्चुअल में ये जो पैटर्न है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेटर है। अभी आप बोर्ड एग्जाम में ऐसा एक लाइन में आंसर लिख दोगे तो 4 मार्क्स में 1 मार्क्स मिलेगा, लेकिन मैं उस पर डिस्कस किया ताकि आपको पैटर्न पता हो। ये सब मेरे कंपटीशन पाथ मेकर के चैनल पर जब आप मेरे मैथमेटिक्स के आईआईटी जेई के लिए क्वेश्चन करेंगे तो इंटीग्रेशन फिर मैं ऐसे ही करूँगा, ट्रिक्स ऐसे करूँगा, फिर वहाँ डिटेल मेथड से नहीं करूँगा। इसीलिए मैं आपको अपने लगभग सभी वीडियो में बोल रहा हूँ कि आप अपने पढ़ाई के तरीके को मेरे 2 प्लेटफॉर्म पर इस तरह से करिए, फाउंडेशन क्लियर कीजिए इस चैनल से और कॉम्पिटिटिव में करिए कॉम्पिटिशन पाथमेकर से। अभी मैथमेटिक्स की वीडियो डालूंगा मैं, उसमें 11-12 का अल्टरनेट चलेगा जैसे फिजिक्स का मैंने स्टार्ट किया है, तो वहाँ पर मैं टोटल ट्रिकी बेस पर पढ़ाऊंगा, लेकिन ओनली ट्रिक्स काम नहीं आता, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आप यहाँ से अच्छे से कर लोगे तो ये लेसन यहाँ से करो और वहाँ जाकर उसके MCQ का प्रैक्टिस करो, बेस्ट आपका कॉम्बिनेशन बनेगा। पहले फाउंडेशन का वीडियो देख लिए, उसके तुरंत बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर लिए तो क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए तो चलते हैं फिर अपन इसके प्रॉपर मेथड से करने वाले क्वेश्चन पर। और आज हम इसके तो 2-3 पार्ट में हमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं आज ओनली एल्जेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन सिखा रहा हूँ और इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का अलग पार्ट में। मेरे मैथमेटिक्स का वीडियो का एक खासियत रहेगा कि वो 60 ड्यूरेशन का होगा, लेकिन उस ड्यूरेशन में मैं ओनली 1 कॉन्सेप्ट को लेकर क्लियर करूँगा। क्या होता है यदि बहुत से कॉन्सेप्ट में मिक्सअप कर दूँ तो समझने में परेशानी होती है, इसलिए आप स्टडी पार्ट पार्ट में करो, एक पार्ट को स्ट्रांग करो, दूसरा पार्ट करो, एक पैटर्न लो उस पर क्वेश्चन करो। तो आज का हमारा पैटर्न है एल्जेब्रिक सब्स्टिट्यूशन पर या सिंपल सब्स्टिट्यूशन पर, ट्रिग्नोमेट्री सब्स्टिट्यूशन अलग होता है। चलिए तो एक क्वेश्चन हम सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे कुछ क्वेश्चन ईजी से डिफिकल्ट जाओगे तो आपको आसान होगा। एक क्वेश्चन हम लेते हैं 3x + 5 होल टू द पावर 7, वैसे इस पैटर्न का बता चुका फिर भी एक बता रहा हूं मैं। I = एक क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ, चलो NCERT का क्वेश्चन कराता हूं मैं सीधा आपको, कुछ ढंग का क्वेश्चन हो शुरू से तो ज्यादा अच्छा है। e टू द पावर 2x - 3 dx, ये हमारा क्वेश्चन है i = e^2x - 3x। अब सबसे पहले जब क्वेश्चन आपको मिलता है तो ये देखो कि आपको e^x का फार्मूला पता है, e^x का फार्मूला पता है, e^2x - 3 का फार्मूला नहीं पता है। तो हमको क्या करना है, नेचुरली यहाँ से पता चल जाएगा कि ये जो मैंने अंडरलाइन किया है उसी को हमको टी सपोज करना चाहिए। क्लियर? नाउ पुट 2x - 3 = t। फिर मैंने आपको क्या बताया, जिसको t सपोज करोगे उसका डिफ्रेंशिएट करोगे, तो इसका अवकलन करने पर अब मैं डायरेक्ट लिख दिया करूँगा, d/dx लिखने की ज़रूरत नहीं है, इस क्वेश्चन में लिख रहा हूँ उसके बाद मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, ठीक है। ये हो जाएगा dt/dx, दैट इम्प्लाइज इसका हो जाएगा 2x का 1 हो गया, 3 0 हो गया, = dt। ऐसा क्वेश्चन अभी मैंने बताया, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ेदार है, एक बार आप पैटर्नों को पकड़ लो, फार्मूला बस याद होना चाहिए। अब dx का वैल्यू फाइंड करना है अपने को, इसका dx को इधर ट्रांसफर करो तो dx = क्या हो जाएगा dt/2। अब ये वैल्यूज हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो देयरफॉर i = इंटीग्रेशन ऑफ e^2, ये 2x - 3 को हमने सपोज किया है t, तो ये हो जाएगा e^t और dx को हमने dt/2, तो ये हो जाएगा dt/2, दैट इक्वल 1/2 को बाहर कर लिया, e^t का t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन e^t ही होता है, दैट इक्वल 1/2 और e^x का वैल्यू पुट अप कर दो 2x - 3 + c। देखो अभी मैं स्टार्टिंग में इजी क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप शुरू के लगभग 3-4 वीडियो में, इंटीग्रेशन के मेरे 3-4 वीडियो में आप अपने बेसिक को बहुत स्ट्रांग कर लीजिए, क्योंकि कैलकुलस का एक खासियत है कि यदि स्ट्रांग बेसिक स्ट्रांग है तो आगे आपको बहुत बड़े बड़े इंटीग्रेशन करने हैं, 15 स्टेप, 20 स्टेप, 25 स्टेप
स्टेप तक के लेंथी क्वेश्चन आपको करने हैं, तो वहाँ तभी हो पाएगा जब आपका बेसिक प्रॉपर क्लियर है। ओके, तो आप शुरुआत से इस इजी क्वेश्चन से आप उनको समझते जाइए, क्योंकि इजी क्वेश्चन एग्जाम में आए चाहे मत आए, लेकिन आगे के अच्छे क्वेश्चन के लिए वो बेस्ट तैयार करते हैं। ओके, नहीं तो मैं इस तरह के क्वेश्चन की स्किप कर दूँ, इसमें क्या रखा है करके, तो मुझे मालूम है बहुत स्टूडेंट के बेस ही पुअर हो जाएंगे। चलिए, तो समझ में आ गया आपको, बहुत आसान है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, एक एक करके थोड़ा थोड़ा अपन पैटर्न और स्टैंडर्ड को बढ़ाते जाते हैं। देखिए, दैट नेक्स्ट क्वेश्चन लिया मैं, cos 6x रूट ऑफ 1 प्लस साइन 6x। देखो, मुझे मालूम है कि मुझे क्वेश्चन कम कराने होते हैं, उतना टाइम नहीं होता, तो मैं अच्छे क्वेश्चन ही आपको कराने का कोशिश कर रहा हूँ। हमेशा अपने मैथ्स के क्लास में एक बात आपको रिपीट करता हूँ कि सिंपल क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लोग अपने से करिए। तो cos 6x इंटू 1 प्लस साइन 6x, 1 प्लस साइन 6x dx, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखो, यहां से हमको समझ में आता है कि किसको सब्स्टिट्यूट करें तो कौन आएगा। तो नेचुरली यहां से हमको दिखता है कि यदि हम क्या करें, इसको t सपोज कर लें और इसका जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन x का cos x आएगा और cos x के साथ में ये dx भी आएगा, और इस तरह से क्या होगा, ये सब्स्टिट्यूशन में एडजस्टमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम क्या करें, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। चलिए, तो पुट करते हैं अपन, नाउ पुट 1 प्लस साइन 6x, 1 प्लस साइन 6x इक्वल टू टी, ये हमने पुट किया। नाउ डिफ्रेंशिएट, अब हम इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो अब डायरेक्ट लिख रहा हूं, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा और साइन 6x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा cos 6x, साइन का हो जाएगा cos 6x और 6 का अगेन डिफ्रेंशिएट होके सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा। यह सब आपको पता है, डिफ्रेंशिएशन आप अच्छे से कर चुके हो। तो 6 इंटू cos 6x और यह हो जाएगा dt बाई dx। दैट इंप्लाइज यहां से हमको क्या चाहिए, cos 6x इंटू dx। तो ये cos 6x है अपने पास, dx को इधर ट्रांसफर करो, 6 को उधर भेजो, तो हो जाएगा cos 6x इंटू dx इक्वल टू dt अपॉन 6, ये होगा। क्लियर? तो यहां से देखो हमने क्या किया, इसका वैल्यू फाइंड कर लिया, cos 6x इंटू dx, cos 6x और इंटू dx, ये दोनों की जगह में रखेंगे dt बाई 6, और ये जो मैं रूट के अंदर लिखा हूं उसके जगह लिखेंगे हम क्या, 1 प्लस साइन 6x। इसको टी स्क्वायर भी सपोज किया जा सकता है, लेकिन उससे थोड़ा लेंदी हो जाता है, ये डायरेक्ट ज्यादा सही है। तरीके कई हैं, देयरफॉर आई इक्वल, अब सब्स्टिट्यूशन करो, पहले रूट के अंदर को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं मैं, तो हो जाएगा रूट ऑफ टी, क्योंकि इसको हमने टी सपोज किया है, और इंटू साइन 6x इंटू dx का वैल्यू है dt अपॉन 6, ये हो जाएगा dt अपॉन 6, ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। सब्स्टिट्यूशन ही सबसे इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेशन का। देखो ये क्वेश्चन कितना कॉम्प्लिकेटेड दिखते रहता है, लेकिन प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन के बाद कितना इजी वे में चला जाता है। दैट इक्वल, अब इसका इंटीग्रेशन करें तो टी टू द पावर 1 प्लस 1 बाई 2 मतलब 3 बाई 2 अपॉन, ये हो जाएगा 3 बाई 2 इंटू 6 को बाहर लिख दिया मैं, इसको लिखना भूल गया था, पहले मैं 6 को बाहर लिख दूं, कहीं पर भी लिख सकते हैं, 1/6 इंटू 1/6 बाहर, इंटीग्रेशन से बाहर कर दिया। दैट इक्वल, अब यहां पर देखो ये 1/6 है, ये ऊपर जाएगा या 3 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 3 जा और 3 × 3 1/9, और टी का वैल्यू यहां से हम पुट अप कर देते हैं, टी अपने पास है 1 + sin 6x, 1 + sin 6x का होल पावर 3/2 प्लस सी, दिस इज फाइनल आंसर। क्लियर? तो इसका आंसर आएगा 1/9, 1 + sin 6 का होल पावर 3/2 प्लस सी। ये सब जनरली मैं आपको, देखो हालांकि मेरे क्वेश्चन तो बहुत मिक्स राइटर से मैंने
कराता हूँ, लेकिन एनसीईआरटी क्वेश्चन को ज़्यादा कवर करने की कोशिश करता हूँ और मैं कई बार उसके पर्पस आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। क्वेश्चन का अच्छा कलेक्शन है, प्लस बहुत से बोर्ड को वो कवर करता है, और सीबीएसई को 100% करता ही है। चलिए, तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे देखो। हेलो स्टूडेंट्स, अनएकेडमी लेके आया है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ऑल 6 सब्जेक्ट के प्रिपरेशन के लिए, मराठी, हिंदी और इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में पूरा आपका स्टेट बोर्ड का प्रिपरेशन, जिसमें आपको महाराष्ट्र के 50 प्लस टॉप एजुकेटर्स से आपके पढ़ने को मिलेगा। और इस कोर्स में आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको फ्री क्लासेस अवेलेबल होंगे। फ्री क्लासेस आपको लेने हैं तो आप अनएकेडमी का ऐप डाउनलोड कीजिए, और हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिलेगा, वहाँ आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं, जितेंद्र सर लाइव। ये कोड यूज़ करके आप उसको अनलॉक कर सकते हैं, अनलॉक करके आप हमारे सभी फ्री क्लासेस यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको मिलेगा अनलिमिटेड फ्री लाइव क्लासेस, बेस्ट स्ट्रेटजी एंड टॉपिक टू क्रैक एग्ज़ाम, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन, फ्री डेली क्विज, डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट, लीडर बोर्ड। ये पूरी फैसिलिटी आपको फ्री में मिलेगी। और यदि आपको हमारा फ्री क्लास पसंद आता है तो आप ले सकते हैं, आपको इस फ्री क्लास में ये पूरी फैसिलिटी मिलेगी, और आप इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जो सिर्फ 250 पर मंथ पर सब्जेक्ट आपको पेड करने होंगे। और आप यदि हमारा कोड यूज़ करते हैं जितेंद्र सर लाइव तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो ये आप लोगों के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, आप यदि 10th और 9th क्लास के महाराष्ट्र बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ये जरूर लीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। आगे देखो, इसके बाद हम ले लेते हैं क्वेश्चन इस तरह से, 2x/√1+x2 i=2x/1+x2 dx। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह होता है कि आप उसको सेलेक्ट कर पाओ कि किसको t सपोज करना है। तो यहाँ पर देखो, हमको देखने से ही पता चल जाता है कि यदि हम इसको t सपोज कर लें और इसका डिफ्रेंशिएशन करें, अवकलन करें, तो 1 का 0 आएगा और x स्क्वायर का 2x आएगा, और इसके लिए 2x यहाँ मौजूद है। देखो 2x यहाँ पर मौजूद है, क्वेश्चन का एडजस्टमेंट होता ही ऐसी है। तो यहाँ से पता चल गया कि 1+x² को हमको t सपोज करना चाहिए। तो देखो यहाँ से नाउ पुट, हमने क्या कर लिया, 1+x² को t सपोज कर लिया। नाउ डिफ्रेंशिएट, अवकलन करने पर इसका डिफ्रेंशिएशन करके 0 हो जाएगा और यह हो जाएगा 2x = dt/dx। दैट इम्प्लाइज 2x dx को हम 2x dx को dt, तो यहाँ से 2x को तो यहीं रहने दो, ज़रूरत के हिसाब से हम ट्रांसफ़र करते हैं ना, तो 2x into dx = यहाँ क्या बचेगा, dt। देयरफॉर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx को हम लिख सकते हैं dt, और ये है 1+x² को t सपोज किया है तो ये हो जाएगा 1/t। 1+x² को t लिखेंगे और इंटू dx, 2x dx जो मैंने यहाँ पर राउंड किया है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, dt। दैट इक्वल, यहाँ पर देखो 1/t dt, इस तरह से 1/t dt क्या हो जाएगा, 1/x dx, log x होता है, तो फार्मूला ये हो जाएगा log t+c, दैट इक्वल log, अब t का वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देते हैं, t का वैल्यू है 1+x² + c, दिस इज द फाइनल आंसर, log 1+x² + c। क्लियर, तो ये क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, तो ये आपको समझ में आ गया, इस तरह से हम लॉग वाले फंक्शन को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी तरह के। i equal, देखो ये क्वेश्चन अच्छा है,
लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स डी एक्स। डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स, ये सीबीएसई में क्वेश्चन आया हुआ है। अब यहाँ क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो तो आपको पता चलेगा कि यदि हम यहाँ पर लॉग एक्स को टी सपोज कर लें, अभी आप लोग को कई लोग को लगता होगा सर हमको कैसे पता चलेगा कि किसको टी सपोज करेंगे, वो प्रैक्टिस का मैटर है। आप प्रैक्टिस करने के बाद और डिफरेंशिएशन में कमांड, तो दो फंक्शन आपको दिखेंगे तो इमीडिएट वाच हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये मिलेगा कि इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये मिलेगा। तो यहाँ सीधा सीधा हमको दिख रहा है कि यदि लॉग एक्स को हम टी सपोज करें तो उसका अवकलन 1/x होता है, और 1/x यहाँ पर मौजूद है, 1 के अपान में है माने 1/x है, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं क्या, लॉग एक्स इक्वल टू टी। अब लॉग एक्स इक्वल टू टी को हम डिफरेंशिएट कर दें तो डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 1/x, और ये हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। दैट इम्प्लाइज डी एक्स इधर ट्रांसफर कर दो तो 1/x डी एक्स इक्वल टू डी टी। देखो यहाँ पर डी एक्स अपॉन एक्स है, ये डी एक्स अपॉन एक्स, और डी एक्स अपॉन एक्स अपने पास है, अब हम सब्स्टिट्यूट डायरेक्ट कर सकते हैं। देयरफॉर आई इक्वल टू लॉग एक्स को क्या सपोज कर लो टी, तो हो गया टी का स्क्वायर और इंटू डी एक्स बाई एक्स, डी एक्स बाई एक्स क्या है डी टी। बहुत आसान हो गया ये तो, सब्स्टिट्यूशन के बाद क्वेश्चन आसान हो जाता है। आई इक्वल टू टी का पावर 2, तो इंटीग्रेशन करेंगे टी टू दी पावर 3 अपॉन 3 प्लस सी। दैट इम्प्लाइज आई इक्वल टू 1/3, अब टी का वैल्यू पुट कर दो, टी क्या है हमारा लॉग एक्स है, तो यह हो जाएगा लॉग एक्स का पावर 3 प्लस सी। तो आप लोग को नेचुरली बहुत आसान लग रहा होगा क्वेश्चन, सिंपल इंटीग्रेशन के बजाय सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा आसान होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप उसको पहचान सको कि किसके जगह में हमको टी सपोज करना है, ओके। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, थोड़ा डिफिकल्ट होता है, वो मेरा चार्ट आप तैयार कर लेना आसान हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास में उसको पढ़ाऊंगा मैं, ओके क्लियर। चलो एक क्वेश्चन और देखें आगे, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करा दूँ तो बाकी आप करने लगोगे। अब हम देखते हैं कॉस ऑफ रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, सब आसान लगेगा अब आपको, कुछ नहीं है, एक बार पैटर्न पकड़ लिए तो कॉस ऑफ रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। ये अब यहां पर किसको हमको टी सपोज करना चाहिए, यहां सीधा दिख रहा है रूट एक्स को टी सपोज करना चाहिए, क्योंकि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। इसको मैंने अवकलन पढ़ाते समय बताया था कि इसको तो रट डालो, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। तो यहाँ पर 1/2 तो कांस्टेंट है, रूट एक्स है मौजूद है, वो निकल जाएगा, तो सीधा हम यहाँ पर क्या करें, नाउ पुट, इसमें हम पुट कर लें रूट एक्स इक्वल टू टी। नाउ डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, इसका अवकलन आपको पता है, इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। दैट इम्प्लाइज हमको चाहिए ये डी टी अपॉन रूट एक्स, तो ये सॉरी डी एक्स अपॉन रूट एक्स, डी एक्स को इधर ट्रांसफर करूंगा तो डी एक्स अपॉन रूट 2 को उधर ट्रांसफर कर दो, तो आगे अब ये हो जाएगा डी एक्स इधर ट्रांसफर होके डी एक्स अपॉन रूट एक्स, और 2 इधर ट्रांसफर होकर हो जाएगा 2 डी टी, ओके। अब हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर पुट करते हैं, तो देयरफॉर आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस रूट एक्स, तो ये हो गया कॉस रूट एक्स का वैल्यू टी, और इंटू डी एक्स अपॉन रूट एक्स, डी अपॉन रूट एक्स का वैल्यू 2 डी टी, 2 को बाहर कर दिया डी टी। देखो क्वेश्चन को ऐसा एडजस्ट करके बनाया जाता है इसमें कि एक को सब्स्टिट्यूट करें दूसरा वहाँ मौजूद होता है, क्वेश्चन का एडजस्टमेंट ही ऐसा होता है। दैट इक्वल 2, और कॉस टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या साइन टी, तो साइन टी प्लस सी दैट इक्वल टू 2, और साइन टी का वैल्यू है रूट एक्स है, तो हो जाएगा रूट एक्स प्लस सी, दिस इज द फाइनल आंसर, 2 साइन रूट एक्स प्लस सी, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको मैं करा रहा हूँ। ये क्वेश्चन बहुत बार कई एग्जाम में आ चुका है और आपके भी एग्जाम में कभी भी रिपीट हो सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, चलिए थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ई टू द पावर 2x माइनस ई टू और माइनस 2x, आपको हर राइटर के बुक में यह क्वेश्चन मिलेगा। एनसीईआरटी के क्वेश्चन जनरली हर राइटर कॉपी करते हैं। ई टू द पावर 2x माइनस ई टू द पावर 2x माइनस ई टू द पावर माइनस 2x, क्लियर, अपॉन ई टू द पावर 2x प्लस ई टू माइनस 2x, ई टू द पावर 2x प्लस ई टू द पावर माइनस 2x dx। बेस्ट क्वेश्चन है ये और कई एग्जाम में आ चुका है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन को देख के तो बहुत बड़ा लगता है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन के बाद वो बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन को बहुत आसान कर देता है। आप देख रहे हो यहाँ पर, आप सोचो कि किसको आप t सपोज करोगे तो कौन आ जाएगा। ठीक है, देखो यदि हम इसके डिनोमिनेटर को t सपोज करें तो e टू द पावर 2x का तो e टू द पावर 2x ही रहेगा, e टू द पावर माइनस 2x का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस सामने आके ये बना देगा, माइनस बना देगा। तो हमको यहाँ पर डिनोमिनेटर को, मतलब ये वाले पोर्शन को हमको t सपोज करना चाहिए। ठीक है, वो प्रैक्टिस से आपकी आ जाएगी। तो नाउ पुट, यहाँ पर हम पुट कर लें e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x इक्वल टू t। अब इसका करो आप डिफ्रेंशिएशन, इसका डिफ्रेंशिएशन आता है, देखो e टू द पावर 2x में 2 सामने मल्टीप्लाई आएगा तो 2 e टू द पावर 2x, और यहाँ पर माइनस 2 सामने आ जाएगा e टू द पावर माइनस 2x, और ये हो जाएगा dt by dx। दैट इम्प्लाइज, अब यहाँ से दोनों से 2 को कॉमन कर लो, तो 2 यदि हम कॉमन कर लें तो यहाँ पर हो जाएगा e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x। देखो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, क्लियर। अब हमको क्वेश्चन में क्या चाहिए, e टू द पावर 2x माइनस e टू द माइनस 2x dx को चाहिए हमको, तो dx, सॉरी ये dx होगा ना, dx, dx को इधर ट्रांसफर करो और 2 को उधर ट्रांसफर करो, तो e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x इंटू dx इक्वल, ये उधर जाके ट्रांसफर हो जाएगा dt अपॉन 2। अब आप देखो अपने क्वेश्चन में कि ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन यहाँ पर है, देखो ये यहाँ पर है, देखो ये पोर्शन वहाँ पर है, तो उसके जगह में हम dt by 2 लिख सकते हैं, और नीचे जो रेड रिंग से मैंने राउंड किया है उसके जगह में क्या लिख सकते हैं, t लिख सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन कितना आसान हो जाएगा, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन के बाद एक लाइन का होता है ये, तो उसके जगह में हम लिखेंगे dt by 2, ये हो गया dt, कांस्टेंट को बाहर लिख दिया करो, परमानेंट 1/2, और ये जो रेड रिंग से मैंने किया है वो क्या है, t है, तो dt by t कैसा हो गया। देखो सब्स्टिट्यूशन के बाद क्वेश्चन बहुत आसान, और इसके बाद हम इसको इंटीग्रेशन कर दें तो हो जाएगा 1/2 log t प्लस c, दैट इक्वल 1/2 log, और यहाँ पर t का वैल्यू है e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x प्लस c, दिस इज द फाइनल आंसर। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत आसान है, सब्स्टिट्यूशन बस आपको प्रॉपर आना चाहिए। इंटीग्रेशन तो हमारा लास्ट में एक लाइन का होता है, मेन वर्क है हमारा सब्स्टिट्यूशन का। ओके, तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा अच्छे से। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। मैं सब क्वेश्चन को डिफरेंट डिफरेंट टाइप से सेलेक्ट कर रहा हूँ ताकि लगभग हर पैटर्न का क्वेश्चन आपको टच करा सकूँ, बाकी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे आपसे बनेंगे। ये है टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 + x² टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 + x² dx, जिसका अच्छा कमांड होता है देखते हैं, साथ ही उसको डिफ्रेंशिएशन में अच्छा कमांड होते ही देखते ही पता चल जाता है मुझे क्या करना है। आपको समझ में आ गया होगा कि टेन स्क्वायर का, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 + x² होता है। वो तो दोनों वहाँ दिखते रहते हैं कि किसको रखोगे तो क्या आएगा, बस प्रैक्टिस का सवाल है। ऐसा भी मैथमेटिक्स का डेफिनेशन ही होता है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करें सब आपको फटाफट दिखेगा।
तो क्या करें हम यहाँ पर, यहाँ पर हम पुट कर दें किसको, tan इनवर्स x इक्वल टू t पुट कर दें। नाउ डिफ्रेंशिएट, अब इसका अवकलन करोगे तो tan इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और राइट साइड में हो जाएगा dt टी अपॉन डी एक्स, डी एक्स को इधर भेज दो तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू यहाँ हो जाएगा dt। और आपके क्वेश्चन में अब सब मौजूद है, देखो देयर फोर आई इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x को आप लिखोगे t, तो ये हो गया टी स्क्वायर इंटू डी टी, डी टी अपॉन सॉरी डी एक्स है ना, वो फ्लो में लिखते जा रहा हूँ तो कुछ भी लिख दिया यहाँ पर। ये अभी कहाँ डी टी आएगा ना, वहाँ वहाँ आएगा अभी डी एक्स, तो डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर ये क्या है डी टी। तो वहाँ पर हम वैल्यू को पुट अप कर दें, ये हो जाएगा डी टी दैट इक्वल इंटीग्रेशन हो गया डी क्यूब अपॉन थ्री प्लस सी दैट इक्वल वन अपॉन थ्री टी का वैल्यू टेन इनवर्स एक्स, तो हो गया टेन इनवर्स एक्स का पावर थ्री प्लस सी, दिस इज फाइनल आंसर। ठीक है, वन अपॉन थ्री टेन इनवर्स एक्स क्या आंसर दिया है, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। टेन इनवर्स एक्स का होल क्यूब अपॉन थ्री प्लस सी, ओके क्लियर ये है। इसके बाद मैं आपको आज का एक लास्ट क्वेश्चन बता दूं, वो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लगभग इसी पैटर्न में है, लेकिन वहाँ पर एक थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। इसके बाद इसकी आप, मैं समझता हूँ आपका सफिशियंट प्रैक्टिस हो जाएगा। आई इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर लॉग एक्स अपॉन एक्स, साइन स्क्वायर लॉग एक्स अपॉन एक्स डी एक्स, ये क्वेश्चन देखो आप ध्यान से। यहाँ आपको देख के इतना तो पता चल गया होगा कि लॉग एक्स को सपोज करने से वन अपॉन एक्स डी एक्स आएगा। ठीक है, तो ये हम कर लेते हैं सबसे पहले। नाउ पुट लॉग एक्स इक्वल टू टी, देयरफॉर डिफरेंशिएट, इसका डिफरेंशिएशन करो तो लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, देयरफॉर इसको इधर ट्रांसफर करो तो डी एक्स बाई एक्स इक्वल डी टी। तो यहाँ पर डी एक्स बाई एक्स है, ये डी एक्स अपॉन एक्स ये हमने निकाल लिया डी टी, देयरफॉर अब क्वेश्चन में पुट अप कर दें तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर लॉग एक्स का वैल्यू टी है, तय हो जाएगा साइन स्क्वायर टी और इंटू डी एक्स बाई डी टी डी। अब प्रॉब्लम यहाँ शुरू होता है, प्रॉब्लम यहाँ इसलिए शुरू होता है क्योंकि यहाँ से साइन स्क्वायर टी का आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। तो साइन स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, और ये होता है इस फार्मूला के हेल्प से। ट्रिग्नोमेट्री का मैं यहाँ पर एक फार्मूला आपको बता दूँ, कॉस टू एक्स इक्वल टू होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, ये फार्मूला होता है। देयरफॉर यहां से हम साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू, यहां से हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू, इसको इधर ट्रांसफर करूं इसको इधर तो इधर वन माइनस कास टू एक्स अपॉन टू, ये फार्मूला आप याद रखना, इसका भी कैलकुलस में बहुत ज्यादा यूज होगा इस फार्मूला का। ठीक है, ऐसा भी मैं आपको रोज याद दिला रहा हूं कि कैलकुलस अच्छा करना है तो ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर टी को हम इस फार्मूला के हेल्प से कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे, क्योंकि इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन ऐसा नहीं होता। तो देयरफॉर हमारा क्वेश्चन हो जाएगा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर टी, तो साइन स्क्वायर टी को लिख लेंगे हम वन माइनस कास कास टू टी, वन माइनस कास टू टी अपॉन टू, ये हमने लिख लिया साइन स्क्वायर टी को और इंटू डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन होगा, देखो 1/2 को मैं बाहर कर दिया, ये 1/2 को 1 का t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन t होगा और माइनस cos 2t का इंटीग्रेशन होगा sin 2t और 2 यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा इस तरह से, क्योंकि ax मतलब 2x का डिफ्रेंशिएशन करके 2 डिवाइड हो जाएगा, तो cos 2x का इंटीग्रेशन होगा sin 2x अपॉन टू, क्योंकि टू का कोफिशियंट, टी का कोफिशियंट 2 है जो कि डिवाइड हो जाएगा। ओके,
दैट इक्वल, अब इंटीग्रेशन हो गया तो प्लस सी, ये यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसलिए मैं बोला कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने रेड इंक से अंडरलाइन किया है, इसके बाद यहाँ पर कॉन्सेप्ट इसका थोड़ा बदल जाता है। तो दैट इक्वल हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पर क्या करो, लिमिट को पुट कर दो, तो टी का वैल्यू क्या है, लॉग एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा लॉग एक्स माइनस साइन टू, और ये हो जाएगा लॉग एक्स, टू लॉग एक्स, अंदर भी लिख सकते हैं इसको, अपॉन टू प्लस सी। आंसर इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करके भी लिख लेते हैं, ठीक है। देखें आंसर किस फॉर्म में दिया है, 1/2 लॉग एक्स माइनस 1/2 साइन 2 लॉग एक्स प्लस सी, ठीक है, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना है, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 लॉग एक्स, इसका मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 1/4 साइन, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 लॉग एक्स प्लस सी, दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, तो ये आज मैंने आपको कंप्लीट प्रैक्टिस करा दिया सब्स्टिट्यूशन का, तो सब्स्टिट्यूशन का प्रैक्टिस आप बहुत अच्छे से करिए। मैंने अपने तरफ से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन आपको कराया, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखना, टीचर चाहे मैथमेटिक्स के हजारों क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करा दे, आपकी तैयारी कंप्लीट होती है आपके प्रैक्टिस से। ये मैं अपने मैथमेटिक्स के हर वीडियो में याद दिलाता हूँ। मेरा एक बहुत फेमस कोटेशन है, मैथमेटिक्स इज स्टूडेंट बेस्ड सब्जेक्ट एंड फिजिक्स इज टीचर बेस्ड सब्जेक्ट। क्यों पता है आपको? क्योंकि फिजिक्स में यदि कॉन्सेप्ट को कोई बहुत अच्छे से क्लियर ना करे, तो हो सकता है आप चीज़ों को ना समझो, या समझो तो दूसरे तरीके से समझने लगो, मिसकॉन्सेप्शन हो सकता है। लेकिन मैथमेटिक्स में टीचर आपको कितना भी अच्छा पढ़ाए, कितने भी अच्छे से एक्सप्लेन करें, जब तक मैं 2 क्वेश्चन बताया और आप 10 क्वेश्चन खुद से नहीं करेंगे, आप इसमें अच्छा कमांड नहीं कर सकते। ये फैक्ट है, मैं दोनों सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, मेरी पूरी ज़िंदगी मैथ्स फिजिक्स के बीच बीत रही है, तो ये चीज़ मैंने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया है। मैथमेटिक्स में कमांड आपका तभी होगा जब आप उसका प्रैक्टिस खुद से करेंगे। ये पूरे क्वेश्चन का आप आराम से बैठे बैठे मोबाइल में वीडियो देख लिए, बोलोगे आपसे बन जाएगा, नहीं बनने वाला है। इसलिए आप उसको पेन पेज पेपर लेके प्रैक्टिस करिए, और इस तरह के और क्वेश्चन करिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊँगा ट्रिग्नोमेट्री सब्स्टिट्यूशन, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करेंगे। और एक बार फिर आपको याद दिला दूँ, इसका चार्ट आपको मिलेगा मेरे प्रीवियस वीडियो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में, प्रतिलोम त्रिकोणमिति के वीडियो में मैंने आपको उसका PDF डाला था वीडियो के अंदर भी, वहाँ से आप उसको करिए तो आपका आगे अच्छा हो पाएगा। ओके, थैंक यू।